जनपद में एक मुन्नू नाम का बकरा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके मालिक का कहना है कि बकरी के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, जिसके बाद बकरी की 30,000 रुपए से कीमत शुरू हुई जो लाखों तक पहुंच गई। अब बकरी के मालिक को उसके अपहरण की चिंता सता रही है, इसीलिए वो बकरी को घर से बाहर नहीं निकलने देता और रात रात भर जागकर उसकी रखवाली करता है। मैनपुरी जिले के गांव दिलीपुर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, वो भी एक बकरी के कारण। बकरी के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। गांव के निवासी सतवी ने एक बकरी को पाला, जिसका उन्होंने नाम मुन्नू रखा। मुन्नू धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बाहर भी खेतों में चराने के लिए सतवीर की पत्नी ले जाने लगी। एक दिन जब बकरा खेतों में घास खा रहा था तो गांव के कुछ मुस्लिम महिलाओं की नज़र बकरे पर पड़ी। उसने सतवीर की पत्नी उषा देवी को बताया कि बकरी पर अल्लाह लिखा हुआ है। सतवीर ने और जो भी उर्दू के जानकार मौलवी जी को दिखाया तो उन्होंने भी कहा इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। तमाम लोग बकरे को देखने आने लगे, फिर बकरे की कीमत लगने लगी। 30,000 रुपए से बकरे की कीमत शुरू हुई और अब लाखों रुपए कीमत लगने लगी है। ये बकरा गेहूं और चना खाता है। तमाम लोग बकरे को देखने प्रतिदिन आ रहे हैं। अब सतवीर व उनके परिवारजनों को बकरी की अपहरण की चिंता सताने लगी है। वो रात रात भर जागकर मुन्नू बकरे की रखवाली करता है। उसे आशंका है कि कहीं उसके बकरे का अपहरण ना हो जाए। वो अब इस बकरे को घर से बाहर भी नहीं निकाल रहे। क्या नाम है आपका? सतवीर। सतवीर जी, एक जो बकरा है आपके पास, काफी चर्चा है क्षेत्र में उसकी, क्या है उस पर, क्या लिखा हुआ है? उस पे अल्लाह लिखी हुई है और लड़का दिल्ली रात वहाँ मान ली मैं तुम मेरे लड़का ने पढ़वाया मोबाइल हम डारी ऐसे हमें मान ली जानकारी भाई। कब लेके आए थे ये आप? कब से है ये बकरा आपके पास? छिरिया हुआ है बकरा। हाँ, छिरिया हुआ है बकरा। तो किस तरीके से जानकारी आपको मिली कि ये इस पे ये लिखा हुआ है? जैसे ये बच्चे जो उर्दू पढ़ते हैं छोटे छोटे, इनसे जानकारी मिली। अच्छा, आपको उर्दू नहीं आती? नहीं, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया। अच्छा, तो जब ये जानकारी है तो कुछ इसके खरीदार भी आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। करीब 2 लाख रुपए देते रहे। अच्छा, आपने बेचा? हाँ, बेचा नहीं।